राज्य व केंद्र सरकार उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आम आदमी को सस्ता अनाज उपलब्ध कराने का प्रयास करती है, वहीं दूसरी तरफ इन विभागों से जुड़े अधिकारियों की कार्य उदासीनता आदमी को बेहतर अनाज की बजाय सड़ा गला अनाज लेने को मजबूर कर रहे हैं। इन हालातों के बीच अलवर शहर में पिछले कई माह से जहां उचित मूल्य की दुकानों पर इस तरह के गेहूं उपलब्ध होने के चलते उचित मूल्य से जुड़े डीलर उपभोक्ताओं के बीच कहासुनी और मारपीट की घटनाएं आम हो चली है, वहीं स्वयं राशन डीलर भी FCI द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे घटिया गेहूं को लेकर भी खासे परेशान है, जिसे लेकर स्वयं राशन डीलरों से जुड़े प्रतिनिधि मानते हैं कि इस तरह का गेहूं आम आदमी तो दूर की बात है, जानवर भी खाना पसंद नहीं करेगा, लेकिन कई बार शिकायत करने के बाद भी जिला प्रशासन से लेकर खाद्य विभाग के उच्च स्तरीय अधिकारियों को इस बात की कोई चिंता नहीं है कि आखिर आम जनता को इतना सड़ा गला अनाज किस तरह व्यतीत कर रहा है। दूसरी तरफ इस बात को लेकर जिला रसद अधिकारी व FCI से जुड़े अधिकारियों को भी कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं है। ऐसे में उचित मूल्य से जुड़े राशन डीलर किस तरह इस तरह के अनाज को लेकर परेशान है, आप हमसे सुन सकते हैं। इस बारे में जो गेहूं की क्वालिटी खराब आ रही है, पिछले 4-5 महीने से ही आ रही है, ये इसी महीने नहीं आई है जी। पिछले 5 महीने से लगातार गेहूं की क्वालिटी खराब आ रही है, खाने योग्य नहीं है, काला गेहूं है, सड़ा हुआ गेहूं है, कंदा हुआ गेहूं कट्टों में निकल रहा है जी। और उसके लिए हम बार बार माननीय जिला कलेक्टर महोदय को, माननीय खाद्य सेक्रेटरी महोदय को, माननीय अपने जो MCS साहब है राजस्थान राज्य खाद्य निगम के प्रबंधक महोदय, उनको, माननीय जिला रसद अधिकारी महोदय को लिखित रूप में, मौखिक रूप में और वीडियो के माध्यम से कई बार हम इस चीज़ की शिकायत कर चुके हैं कि गेहूं की क्वालिटी जो FCI द्वारा आ रही है वो बहुत खराब आ रही है, जिसमें खास तौर से जो रैक पर गेहूं आता है पंजाब का और हरियाणा का, और वो सीधा जो दुकानों पे जाता है, अलवर शहर में जिले में ही ये स्थिति है जी। और वो बिल्कुल भी खाने योग्य नहीं है, इवन जानवर भी उस गेहूं को नहीं खा सकते। अभी मैंने कल ही MCS साहब से इस महोदय से इस विषय पर बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि भाई हम कोशिश करेंगे FCI से इसको बदलवाने की। इस मुद्दे में हमारा उपभोक्ताओं से भी झगड़ा होता है, उपभोक्ता क्योंकि वो उसको तो साफ सुथरा गेहूं चाहिए, गेहूं साफ सुथरा हो, खाने योग्य हो। हम ये नहीं कहते उसको ग्रेडिंग का गेहूं दिया जाए या बहुत ही साफ सुथरा दिया जाए, लेकिन खाने योग्य गेहूं दिया जाए। जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा जो गेहूं दिया जा रहा है वो खाने योग्य तो हो, लेकिन सड़े हुए गेहूं को, जो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि उसको जानवर भी नहीं खा सकते, ऐसा गेहूं कई दुकानों पर आज भी अलवर शहर की दुकानों पर पड़ा हुआ है। जब गाड़ी आए ड्राइवर से और उसके संग जो आते हैं लेबर, उससे कहते हैं भाई ये कट्टा हटा दो, ये गेहूं का खराब है, तो वो मारने पीटने पर उतारू हो जाते हैं, झगड़ा करते हैं। जैसा कि पिछले माह भी इस तरह का शहर में वाकिया हुआ था, खुद मेरे साथ भी इस तरह का झगड़ा हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है जी। उस बारे में हमने शिकायत की है, लेकिन प्रशासन द्वारा इस पर बहुत जोर से गौर नहीं किया जा रहा है, वो उल्टा उचित मूल्य दुकानदार को ही दबाया जा रहा है कि आप ही इस गेहूं को कैसे भी करके और उपभोक्ताओं में वितरण करें, बाजार से लाके इसको फेंकें चाहे कुछ भी करें, तो वो संभव नहीं है। उचित मूल्य दुकानदार कैसे बदलेगा उस गेहूं को, बाजार से क्यों लाएगा? इन हालातों को देखने और समझने के बाद आप स्वयं समझ सकते हैं कि राजस्थान सरकार सहित केंद्र सरकार से जुड़ी प्रशासनिक कार्यशैली किस तरह आम आदमी को सड़ा गला अनाज खाने के लिए मजबूर कर रही है। लेकिन इन हालातों के बाद भी क्या जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, यह देखने का विषय रहेगा। राज्य सरकार 2 रुपए मूल्य में गेहूं उपलब्ध कराकर आम जनता का पेट भरना चाहती है, ऐसा सरकार दावा करती है। लेकिन जिस तरह का अनाज अब राशन डीलरों के पास आ रहा है, उसे देखकर आप समझ सकते हैं कि अलवर जिले में जहां पर खासकर लोग डेंगू जैसी बीमारी से ग्रसित हैं, उनको इस तरह के अनाज किस तरह की नई बीमारी दे सकता है। क्या इन हालातों पर प्रशासन लगाम, सरकार इस तरह की लापरवाही से जुड़े जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, ये देखने का विषय रहेगा। अलवर न्यूज के लिए मैं समर गुप्ता।